جدي بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، हमने जो लास्ट टाइम जहाँ पे अपने सेशन को कंक्लूड किया था, हम डिस्कस कर रहे थे मकबूल और मरदूद के हवाले से, या मरदूद और मकबूल और मरदूद के लिहाज से खबर वाहिद की तकसीम। खबर वाहिद हमने कहा था वो हदीस होती है जो मुतवातिर हदीस की शराइत पूरी नहीं करती। जो कंडीशंस किसी हदीस को मुतवातिर बनाने की हैं, जब कोई हदीस वो कंडीशंस पूरी नहीं करते तो उसको हम खबर वाहिद कहते हैं। और फिर हमने खबर वाहिद की तीन किस्मों का जिक्र किया था, तीन टाइप्स का जिक्र किया था। पहली टाइप जो है वो मशहूर हदीस है, जो तीन या उससे ज्यादा रावी किसी एक लेवल पे नरेट करें, यानी उसकी चेन ऑफ नरेशन के अंदर किसी जगह पे तीन या उससे ज्यादा रावी हों, नरेटर्स हों, और वो मुतवातिर के दर्जे तक ना पहुंचे। फिर जो अजीज हदीस थी, ये वो हदीस है जिसमें किसी भी सनद के लेवल पे दो रावी रह जाएं। और गरीब वो है जो किसी भी लेवल पर एक रावी रह जाए। तो ये हमने खबर वाहिद की तकसीम पढ़ी, ये खबर वाहिद की तीन किस्में हमने स्टडी की थी और डिस्कस की थी। अब आगे जो हमारा, उसके बाद हमने जो डिस्कशन की थी वो ये थी कि खबर वाहिद को हम तकसीम करेंगे मकबूल और मरदूद के अतबार से, यानी कौन सी खबर वाहिद ऐसी हदीस है, यानी अब यानी कौन सी हदीस ऐसी है जिसको हम कबूल करेंगे, और वो कौन सी ऐसी है जिसको हम रद्द करेंगे, यानी किन बेसिस के ऊपर हम हदीस को रद्द किया जाएगा और किन बेसिस के ऊपर हदीस को कबूल किया जाएगा, एक्सेप्ट किया जाएगा, रिजेक्ट किया जाएगा। और हमने कहा था इसमें मुतवातिर हदीस नहीं आती, क्योंकि मुतवातिर हदीस बाय डिफॉल्ट हम उसको मानते हैं कि उसके अंदर झूठ का इहतमाल नहीं है, तो वो एक ऑथेंटिक हदीस ऑलरेडी है। इसीलिए जो मशहूर, अजीज और गरीब खबर वाहिद है उसके बारे में हम ये जरूर डिस्कस करते हैं कि उसको कबूल किया जाएगा या रद्द किया जाएगा, ठीक है। तो अब आगे जितनी भी डिस्कशन होगी सही हदीस की, ज़ईफ हदीस की, वो सारी खबर वाहिद के हवाले से होगी, वो मुतवातिर के हवाले से नहीं होगी। तो मकबूल हदीस कौन सी होती है? मकबूल का मतलब है कबूल की गई, ऑब्वियसली जिसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। और मरदूद कौन सी हदीस होती है? जिसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब हमने उसकी टाइप्स कुछ पढ़ी थी, तो सबसे पहले हमने कहा था कि सबसे पहले हम जिस हदीस को पढ़ेंगे उसको कहते हैं सही लिजाती ही, सही लिजाती ही। वैसे इसको हम सही भी कह देते हैं, जब भी, यानी जब भी किसी हदीस को हम सही कहेंगे तो उससे मुराद सही लिजाती ही हदीस है। और इसकी तारीफ क्या है सही हदीस की? ऐसी हदीस जिसके अंदर पांच चीजें पाई जाएं उसको हम सही हदीस कहा जाता है, जिसमें से तीन चीजों का पाया जाना, यानी पांच कंडीशंस पूरी हों, तीन चीजें पाई जाएं और दो चीजें ना पाई जाएं, ठीक है ना। इन तीन चीजों का वजूद होगा और दो चीजों का अदम होगा, ठीक है ना। वो पांच चीजें कौन कौन सी हैं जी? पहली चीज हमने कहा था कि अदालत, ठीक है ना, रावी आदिल होना चाहिए, क्रेडिबल होना चाहिए, झूठ बोलने वाला ना हो। दूसरा हमने कहा था जब्त, और जब्त के हवाले से हमने डिस्कस किया था कि जब्त की दो किस्में हैं, एक जब्तुस सद्र है और एक जब्तुल किताबा है, यानी सीने में महफूज करना, और दूसरा क्या है, किताब के अंदर महफूज करना। उस हवाले से हमने डिस्कशन की थी। और फिर उसके बाद तीसरी किस्म क्या है? सनद मुत्तसिल हो, इत्तिसाले सनद भी कहते हैं इसको। और चौथी कंडीशन क्या है जी? वो हदीस उसमें कोई मख्फी इल्लत ना पाई जाए। और पांचवी कंडीशन क्या है जी? कि वो हदीस शाज ना हो। ये पांच कंडीशंस अगर पूरी होंगी तो वो हदीस कौन सी होगी? सही हदीस होगी। आप देखें, हम तीन चीजों का इस बात कर रहे हैं और दो चीजों की नफी कर रहे हैं, यानी तीन चीजों का होना जरूरी है और दो चीजों का नहीं होना जरूरी, ठीक है ना। जिसमें पहली चीज, तीन चीजें कौन सी हैं? अदालत, जब्त और इत्तिसाले सनद, ये चीजें होना जरूरी हैं। और दो चीजें ऐसी हैं कि जरूरी है कि वो चीजें ना हो, वो कौन कौन सी है? कि एक उसमें इल्लत ना हो
और वो हदीस शाज ना हो, ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। तो हमने दो चीजों को लास्ट टाइम डिस्कस किया था, अदालत को जिक्र किया था जिसमें हमने कहा था कि मुसलमान आकिल बालिग हो, कबीरा गुनाह का इर्तिकाब करने वाला ना हो और सगीरा गुनाहों पर इसरार करने वाला ना हो, ठीक है ना। आकिल मुसलमान, आकिल बालिग, यानी इसमें भी पांच चीजें आ गई ना, एक वो मुसलमान हो, एक आकिल हो, एक बालिग हो और इसके साथ साथ गुनाहे कबीरा का इर्तिकाब करने वाला ना हो और छोटे जो गुनाह है उन पर इसरार करने वाला ना हो, यानी उन पर कंटिन्यूटी ना करने वाला हो या उस पर प्रसिस्ट ना करने वाला हो। ये पांच कंडीशन। इसमें भी देखें गौर करें कि तीन चीजों का होना जरूरी है, दो चीजों से, दो चीजों की का ना होना जरूरी है, ठीक है ना। मुसलमान होना, आकिल होना, बालिग होना। मुसलमान का मतलब क्या है जी? जाहिर है मुसलमान हो, और आकिल का मतलब ये है उसकी अकल सलामत हो, और बालिग जो है उसका मतलब क्या है? उसकी एज प्यूबर्टी को क्रॉस कर गई हो, ठीक हो गया। और इसके साथ साथ फिर दो चीजें क्या ना हो, गुनाह के हवाले से फिस्क ना हो उसमें। फिस्क का मतलब क्या है? कि कबीरा गुनाह करने वाला ना हो, और छोटे गुनाह तो जाहिर है इंसान से हो जाते हैं क्योंकि बहरहाल इंसान इंसान है, वो इंसान ही कौन है जिससे कोई गुनाह या गलती ना हो, तो वो सगीरा गुनाह, कबीरा गुनाह ना हो, वो ना करने वाला हो बिल्कुल, लेकिन सगीरा गुनाह जो है उन पर इसरार करने वाले ना हो। तो ये पांच कंडीशंस होंगी तो अदालत है। कंडीशंस तो नहीं, इनको पांच, आप समझ ले पांच चीजें कह सकते हैं, पांच क्वालिटीज कह सकते हैं ना। इसके साथ फिर गया जब्त की बात है, हमने ये लास्ट में भी, हम पिछले सेशन को रिवाइज कर रहे हैं जी। तो जब्त के हवाले से हमने दो चीजें पढ़ी थी, जब्त सदर, कि एक बंदा अच्छे अंदाज से उसको याद रखने वाला हो और जब भी उससे कहा जाए कि उसको सुनाए तो वो उसको सुना दे, यही है ना। जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी कि एक हाफिज कुरान की, हुफाज तो बहुत ज्यादा है जिन्होंने हिफ्स किया हुआ है, लेकिन असल हाफजा उसका होता है, ये आप समझ ले जब उसका अच्छा होता है कि जब भी आप उससे सुनना चाहें तो वो आपको रिकॉल करके सुना सके। तो इसे कहते हैं जब्ते सदर, जब्त कहते हैं महफूज करने को और सदर कहते हैं सीने में, सीने को। तो सीने में महफूज करना, और एक है जब्त किताब, यानी किताब के अंदर महफूज करना, यानी नोट्स बनाने वाला हो, यानी एक बंदा वो हो जिसने उसके अंदर जो लिखा हो बिल्कुल सही लिखा हो और वो उसको बिल्कुल सही तरीके से आगे लोगों तक पहुंचा दे, जब भी नकल करे उस किताब से तो ठीक नकल करे, उसमें गलतियां ना हो। अब हमें कैसे पता चलेगा कि जो उसने किताब के अंदर लिखा है वो ठीक है? ऑब्वियसली आप कंपैरिजन करेंगे उसको दूसरे लोगों की किताब से, या फिर आप दूसरे लोगों के जब्ते सदर से, एक बंदे ने याद किया हुआ है, मेमोराइज किया हुआ है, तो आप उसको, उसकी किताब को देखेंगे, अच्छा कंपैरिजन करेंगे। मतलब एक बहुत बड़ा आलिम दीन है, एक बहुत बड़ा यानी मुहद्दिस है जिसको हदीसें बहुत ज्यादा याद है और उसका हाफजा बहुत अच्छा है, और दूसरा जो दूसरा है उसका हाफजा वीक है लेकिन उसने किताब में नोट किया हुआ है, चीजें याद रखी, अपने किताब के अंदर महफूज की हैं। तो अब आप दोनों को कंपैरिजन करेंगे और कंपैरिजन करने के बाद आपको पता चल जाएगा अच्छा वीकनेस कहाँ कहाँ पे। तो इस तरीके से मुहदिसिन क्या करते थे, वो कंपैरिजन कर लेते। तो बहरहाल जल्द ये बात अलग की है, यानी ये बात बात की है, बुनियादी तौर पर बस आपको ये जहन में रखना है कि जब्त किताब का मतलब ये है कि उस किताब में उसने बगैर गलतियों के उन अहादीस को महफूज किया हो और आगे उसको बयान करने की, उसको आगे फॉरवर्ड करने की या बताने की सलाहियत रखता हो। तो ये दो चीजें हमने अब पिछली दफा पढ़ी थी, अदालत और जब्त के हवाले से। अब हम अगले सेशन में, आज के सेशन में हम मजीद तीसरी चीजें इंशाल्लाह बकिया चीजों को डिस्कस करते हैं। तो मैं अगली प्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। चलें जी, अब हम अगली जो कंडीशन है, इत्तिसाले सनद हो उसमें, वो हदीस मुत्तसिल हो। क्या मतलब है? आसान अल्फाज में आप ये कह सकते हैं मुत्तसिल का मतलब है जुड़ी हुई हो। इत्तिसाल का मतलब क्या होता है जी? जुड़ा होना, ठीक है ना, कनेक्शन होना आपस में, ठीक है ना। हमारे यहाँ इत्तिसालात अगर आप देखें, अगर आप में से कोई बंदा यूएई में रहा है तो वहां पे बकायदा इत्तिसालात एक कंपनी भी है फोन की, कम्युनिकेशन की, जिस तरह हमारे यहाँ यू फोन, जायज वगैरह, ये इस तरह की कंपनीज हैं टेली कम्युनिकेशन की। तो वहां पे जो टेली कम्युनिकेशन की जो कंपनी है उसका नाम है इत्तिसालात। इत्तिसाल का मतलब क्या होता है? आपस में कनेक्शन, कम्युनिकेशन या लिंकेज। तो मुत्तसिल सनद होना क्या मतलब है?
सनद का आपस में कनेक्टेड होना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब भी चेन ऑफ नरेशन आप उसको असेस करें तो आप देखें कि उसके अंदर कोई ब्रेकेज नहीं है, कोई लिंक जो है टूटा हुआ नहीं है। यानी एक रावी ने दूसरे से सुना, दूसरे ने तीसरे से सुना, दरमियान में कोई बंदा मिसिंग नहीं है। अच्छा, कैसे पता चलता है कि बंदा मिसिंग है? मिसाल के तौर पे एक बंदा है जो, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको मिसाल देता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिना ने ये बात कही, मैं कहता हूँ मिसाल के तौर पे, ठीक है ना, कायदे आजम मोहम्मद अली जिना ने ये बात कही, मैंने कायदे आजम मोहम्मद अली जिना से ये बात सुनी, फॉर एग्जाम्पल, या मैं सिर्फ बल्कि ये कह देता हूँ कायदे आजम मोहम्मद अली जिना ने ये बात कही। अब आप क्या करेंगे, अब ये मैंने बात की है ना, अब मैं कायदे आजम से डायरेक्टली एक चीज बयान कर रहा हूँ, अब प्रैक्टिकली आप देखेंगे कि मुगीरा भाई की डेट ऑफ बर्थ क्या है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1991, ठीक है ना, 1991 में मेरी पैदाइश हुई। अब कायदे आजम मोहम्मद अली जिना की डेथ कब हुई? उससे बहुत पहले हो गई, ठीक है ना, कायदे आजम मोहम्मद अली जिना की डेथ मेरी पैदाइश से भी पहले हो गई। अब मैं डायरेक्टली अगर फॉर एग्जाम्पल कायदे आजम मोहम्मद अली जिना से बयान कर रहा हूं, तो देर इज अ ब्रोकन लिंक, दरमियान में कोई बंदा है जिससे मैंने ये बात सुनी है। या तो मैंने किसी किताब से पढ़ी है ये किताब बात, या मैंने किसी बंदे से सुनी है। अच्छा, अगर फॉर एग्जाम्पल वो बंदे से सुनी है, फिर आपने उस बंदे का लिंक देखना है कि क्या उसने वो कायदे आजम मोहम्मद अली जिना से मिला हुआ है, क्या मुमकिन था, क्या उसने उनके लेक्चर्स अटेंड किए थे? अगर तो आप समझते हैं कि नहीं, वो भी नहीं उसने अटेंड किए थे, फिर उसका मतलब एक और बंदा मिसिंग है, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको पता चल जाता है कि हाँ वो लेक्चर्स में बैठता था, वो लेक्चर सुनता था, मुगीरा भाई का कोई दादा परदादा था, और मुगीरा भाई की भी मुलाकात अपने दादा परदादा से है, और उन्होंने उनसे ये चीजें सुनी है, जब आपके पास इसका एविडेंस आ रहा था, तो अब आप कह देते हैं कि एक बंदा मिसिंग है दरमियान में, है ना। तो आपको इस तरीके से डिटेक्ट करना है। तो अब वो बंदा जो मिसिंग है दरमियान में, अगर तो उसका पता चल जाता है बहुत अच्छी बात, अगर नहीं पता चलता तो फिर इसका मतलब है हदीस वीक है, क्योंकि लिंक टूटा हुआ है। अब वो बंदा दरमियान में जो मिसिंग है, अब पता नहीं कौन सा बंदा है, मुगीरा भाई ने किससे बात सुनी है, अब वो बंदा काबिल एतमाद है भी कि नहीं, इज ही रिलायबल और नॉट, वी डोंट नो, तो इसीलिए हम इस हदीस को कबूल नहीं करेंगे। तो इत्तिसाले सनद का मतलब ये होता है कि दरमियान में कोई ब्रोकन लिंक ना हो, कोई नरेटर मिसिंग ना हो, और वो नरेटर के मिसिंग होने की मुख्तलिफ सूरतें हैं, मुअल्लक और इस तरीके से मुरसल, ये सारी आगे हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो आसान अल्फाज में जब मैं आपसे पूछे कि इत्तिसाले सनद का मतलब क्या है, तो आपने कहना है कि चेन ऑफ नरेटर्स जो है, या रावियों का जो सिलसिला है, उसमें दरमियान में कोई इनकिता ना हो, इनकिता का मतलब है कोई ब्रेकेज ना हो, या आप अपने अल्फाज में कह सकते हैं कि वो लिंक ब्रोकन ना हो। मुझे कोई मसला नहीं है कि आप एग्जैक्टली वो टेक्निकल वर्ड्स यूज करें या ना करें, कहने का मतलब आपको समझ आनी चाहिए। आपसे मकसूद सिर्फ ये है इस लेवल के ऊपर कि आपको सिर्फ पता हो कि इत्तिसाले सनद का मतलब क्या है। समझ आ गई भाई? कल फहीम तुम ये इख्वानी? चले माशाल्लाह, समझ आ गई, अलहमदुलिल्लाह। जी सर, आ रही है समझ। चले जी आगे चलते हैं जी। अब हमने कहा तीन चीजें हो गई जी, रावी आदिल हो, जाबित हो, इत्तिसाले सनद हो। अब चौथी चीज क्या है? अब दो चीजें हैं जो ना हो, मुअल्लल। अच्छा, अल्फाज जरा मुश्किल है, क्योंकि अरबी जुबान अगर आपको आएगी तो आपको पता चलेगा मतलब इल्लत है, कि वो हदीस मुअल्लल ना हो, खबरे मालूल ना हो, उसमें इल्लत ना हो। आसान अल्फाज में जो भी वर्ड आपको समझ आती है, इल्लत याद रखिएगा, इल्लत कहते हैं बीमारी को, इल्लत कहते हैं बीमारी को। तो बाज़ वक़्त क्या होता है कि एक हदीस के अंदर एक खुफिया बीमारी होती है जिसकी वजह से वो हदीस ज़ईफ़ हो जाती है। अब वो बीमारियों की मुख्तलिफ किस्में, ये उलमा ने एक जनरल कैटेगरी बनाई है बाकी चार कैटेगरीज के अलावा। यानी चार चीजें तो डिफाइंड है ना, कि ये तीन चीजें होनी चाहिए, एक चीज नहीं होनी चाहिए, और एक उन्होंने जनरल कैटेगरी बना दी कि भाई और कोई प्रॉब्लम ना हो। आसान अल्फाज में आप ये कह सकते हैं, ठीक है। अब वो प्रॉब्लम क्या होती है, वो आमतौर पे ये चार बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स तो सामने आ जाती हैं, लेकिन इसके अलावा जो भी कोई प्रॉब्लम होगी ना, वो हमेशा कोई खुफिया प्रॉब्लम होगी, क्योंकि चार कैटेगरीज इतनी बड़ी वो कैटेगरीज हैं और इतनी वाजे चीजें हैं कि इनके इनको अगर आप इनको सेटिस्फाई कर लें, इन चार कंडीशंस को, जिनमें से तीन हमने डिस्कस कर ली है, अभी चौथी हम करनी है अभी हमने, तो उसके बाद क्या होगा कि उसके बाद फिर मोस्ट प्रॉब्ली वो हदीस ऑथेंटिक है, रिलायबल है, सही है, सही ली जाती है। लेकिन हो सकता है उसके बावजूद भी कोई ऐसी चीज उसके अंदर से नजर आ जाए हमें, जो कोई छुपी हुई हो,
और खुफिया इल्लत बीमारी हो जिसका हमें पता ना हो और हम उस हदीस को सही कह रहे हो। अच्छा, अब ये सवाल पैदा होता है, ये कौन बंदा है जो ये आइडेंटिफाई करता है कि वो प्रॉब्लम क्या है? ये कोई बहुत बड़ा आलिम होता है, मुहद्दिस, इसीलिए उलमा कहते हैं ये इल्लत का जो इल्लत के बारे में जो इल्म है, नॉलेज है, ये बहुत कोई स्पेशलाइज किस्म के जो स्कॉलर्स थे हमारे बड़े बड़े, जिसमें इमाम दारा कुतनी और बड़े बड़े अइमा थे, इमाम बुखारी जैसे लोग, ये लोग ऐसे थे जो इस तरह की इल्लतों को क्या करते थे, आइडेंटिफाई करते थे। बज़ाहिर हदीस तो ऑथेंटिक है, वो चार कंडीशंस आपकी पूरी हो रही है, लेकिन कोई ऐसी चीज आ जाती थी जिसकी वजह से क्या होता था, पता चल जाता था ये हदीस क्या है, ये ज़ईफ है। तो उलमा ने एक जनरल कैटेगरी भी बना ली, ठीक है ना, एक जनरल कैटेगरी है कि तमाम किस्म की इल्लतों से खुफिया, और खुफिया इसलिए कहा कि आमतौर पर कोई वाज इल्लत होगी तो वो इन चार चीजों में से होगी, या तो वो रावी जो है वो आदिल साबित नहीं होगा, यानी आदिल नहीं होगा, गुनाहगार होगा, क्रेडिबल नहीं होगा, रिलायबल नहीं होगा, या उसके जब्त के अंदर कहीं हाफजे के अंदर कमजोरी होगी, या वो हदीस शाज होगी, या फिर इत्तिसाले सनद के अंदर इत्तिसाल नहीं होगा। अब इन चार के अलावा अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो वो हमेशा कोई खुफिया प्रॉब्लम ही हो सकती है, क्योंकि इन चार कैटेगरीज के अलावा बहुत कम कोई मुश्किल है कोई ऐसी चीज हो जो इनके अलावा हो जो हदीस को कमजोर करे। तो उलमा ने उसके लिए कैटेगरी बनाई जिसे कहते हैं इल्लत। इल्लत कहते हैं बीमारी को, तो वो तमाम किस्म की इल्लतों से पाक हो, आप आसान अल्फाज में कह सकते हैं, यानी कोई भी हदीस तमाम किस्म की या खुफिया इल्लतों, ये ज्यादा बेहतर है कि वो हदीस किसी खुफिया इल्लत या खुफिया बीमारी से पाक हो। समझ आ गई बच्चों? पता नहीं बच्चे मैं कह रहा हूँ, लेकिन आप लोग मुझे पता नहीं, हो सकता है मेरी उम्र से बड़े ही ना हो। सर, आप ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे किस किस्म की, यानी कि ये बीमारी और खुफिया बात हो सकती अच्छा, है, यानी कि कोई ये हाँ, ये मैं आपको इंशाल्लाह दे दूंगा बाद में, इसकी मिसाल दे दूंगा, अभी आप बस इसको इस तरह जहन में रखें। असल में ये चीजें आपको बाद में समझ आएंगी, वो खुफिया इल्लत जो है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप शाज समझें, बस आप इसको जनरल कैटेगरी समझें, बस आप ये जहन में रखें कि उसमें कोई खुफिया बीमारी ना हो जो इन चार कैटेगरीज के अलावा हो, ठीक है ना, इन चार कैटेगरीज के अलावा कोई और प्रॉब्लम ना हो, बस आप ये याद रखें। हो गया जी समझ? आगे चलते हैं जी, शाज क्या है? खबरें शाज कहते हैं, वैसे लुगवी एतबार से कहते हैं मुनफरिद, ठीक है ना, एनोमली भी कहते हैं इसको इंग्लिश में, एनोमली कहते हैं ऐसी चीज जो अनहोनी होती है, जो आम चीजों से जरा हटकर होती है, कहते हैं ये शाज चीज है। क्या मतलब है? आम चीजों से जरा हटकर ये चीज है, इसको कहते हैं शाज। मुनफरिद, मुनफरिद यूनिक है, शाज कहते हैं यूनिकनेस को। अब क्या ये यूनिकनेस है? एनोमली का मतलब क्या है? एक प्रॉब्लम है, नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल किया जाता है इसको, वो खबर जिसको रिवायत करने वाला रावी उस रिवायत में अपने से राजे, यानी अपने से बेहतर रावी की मुखालफत करने वाला हो, ठीक है, दोबारा सुनिएगा कि एक नरेटर है। अब देखिए ना, वो जो नरेटर्स हैं वो क्या कर रहे हैं जी, वो रिवायत बयान कर रहे हैं ना, एक चेन ऑफ नरेशन के अंदर वो क्या कर रहे हैं, टेक्स्ट बयान कर रहे हैं ना, मतन बयान कर रहे हैं। अब उस मतन को बयान करते हुए या फिर जो भी चीज वो बयान कर रहे हैं, एक बंदा उनमें से ऐसा है जो अपने से स्ट्रॉन्गर बंदा, जो उससे ज्यादा हाफजे में, अदालत में, हर एतबार से बेहतर है, बड़ा मुहद्दिस है, आलिम है, उसका उस्ताज है, या आप समझ लें उससे बड़ा आलिम है, वो क्या कर रहा है, उससे मुखालफत कर रहा है, उसके ऑपोजिट, उसके खिलाफ कोई बात कर रहा है। असल में होता ये था कि हमारे स्कॉलर्स क्या करते थे, वो सिर्फ हदीस को ये नहीं देखते थे कि इसकी सनद मुत्तसिल है, बंदा क्रेडिबल है कि नहीं है, बंदे का हाफजा कैसा है, उसके बाद वो कंपैरिजन भी करते थे उसको दूसरी नरेशंस के साथ। मिसाल के तौर पे एक हदीस, अब जरूरी तो नहीं है ना कि नरेश एक हदीस सिर्फ एक ही चेन ऑफ नरेशन के साथ आगे गई हो उम्मत तक, मुख्तलिफ चेन ऑफ नरेशन के साथ जा सकती है। मिसाल के तौर पर एक क्लास है, अब एक क्लास से एक उस्ताद के कई स्टूडेंट्स हैं, और आगे उनके मुख्तलिफ मुख्तलिफ स्टूडेंट्स हैं, उनके आगे मुख्तलिफ मुख्तलिफ स्टूडेंट्स हैं। अब मैं एक बात बयान कर रहा हूँ तो एक स्टूडेंट अपनी क्लास में जाके उसको बताता है, उसके आगे स्टूडेंट्स अपनी क्लास में जाके दूसरों को बताते हैं, एक चेन ये बन गई। दूसरा स्टूडेंट यही बात सुन के अपनी क्लास में जाके बताता है, वो अपने आप को, यदि क्लास ना भी हो, अपने किसी जानने वाले को बताता है, वो अपने जानने वाले को बताता है। तीसरा जो है वो अपने, वो मुझसे सुनता है, वो अपने किसी दोस्त को बताता है, वो अपने। तो मैं बता ही रहा था कि होता ये था कि मुहद्दिसीन क्या करते थे कि मुख्तलिफ चेन्स होती थी एक ही हदीस की, उन चेन्स को आपस में फिर कंपैरिजन भी करते थे वो, ठीक है ना, उन चेन्स को कंपैरिजन करने के बाद क्या करते थे, फिर देखते थे कि अच्छा अगर ये चेन जो है उसके नरेटर्स ये बात कर रहे हैं,
दूसरी चेन के नरेटर्स ये बात कर रहे हैं, क्या इनमें डिफरेंस तो है? और इसमें से स्ट्रॉन्गर चेन कौन सी है? या इनमें से फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है वो एक बात कर रहा है, और उसके कंपैरिजन में दूसरा बंदा जो उससे बेहतर है वो कोई और बात कर रहा है, ये दोनों आपस में मुखालफत कर रहे हैं, तो इसका मतलब है जो बंदा मुखालफत कर रहा है, जो कमजोर है, उसकी रावी को, उसकी रिवायत को, उसकी हदीस को हम शाज कहेंगे, और जो उसके मुखालिफ है उसकी रिवायत को हम महफूज कहेंगे। आपको ये बात समझ आई है कि नहीं आई? अच्छा जी, दोबारा मैं इसको रिपीट करता हूं। खबर शास क्या होती है? वो खबर है जिसको रिवायत करने वाला रावी उस रिवायत में अपने से राजे या अपनी या सिकात या औसत रावी की मुखालफत कर रहा हो। मिसाल के तौर पे एक रिवायत है, उसको सुनने वाले दो लोग हैं, ठीक है ना? जैसे हमने बात की थी ना कि जैसे हमने बात ये की थी कि मिसाल के तौर पे एक ही लेवल के ऊपर, हदीस के एक ही लेवल पे मल्टीपल लोग होते हैं ना, यानी बाज का दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, यानी सहाबी से सुनने वाले दो लोग हों, ताबेई से सुनने वाले तीन लोग हों, तबा ताबेई से सुनने वाले पांच लोग हों। अब हर लेवल पे मुख्तलिफ लोग हैं, ऐसे ही है ना? अब हो ये रहा है कि एक लेवल के ऊपर दो लोग एक हदीस को बयान कर रहे हैं और एक बंदा दूसरे बंदे से मुखालफत कर रहा है, हालांकि दोनों ने एक ही बंदे से बात सुनी है, ठीक है ना? एक ही बंदे ने, यानी यानी इन दोनों ने एक ही बंदे से बात सुनी है, जैसे कि एक उस्ताद से दो तीन बंदे सुनते हैं। अब अगर वो दो तीन बंदे आपस में एक दूसरे की मुखालफत कर रहे हैं, लेट्स अज्यूम दो बंदे हैं वो आपस में एक दूसरे की मुखालफत कर रहे हैं, मुखालफत का मतलब ये है कि वो कुछ और बात कर रहा है, वो कुछ और बात कर रहा है, उसमें डिफरेंस है काफी ज्यादा, तो हम फिर जो मजबूत आदमी होगा, जो स्ट्रॉन्गर होगा, उसको क्या कहेंगे? उसकी रिवायत को महफूज कहेंगे। और जो कमजोर रावी होगा, अगरचे वो खुद भी रिलायबल है, वो खुद भी रिलायबल है, लेकिन उससे ज्यादा जो स्ट्रॉन्गर आदमी है वो जाहिर है उसकी बात फर्क है, तो हम क्या करेंगे कि हम फिर औसत, औसत का मतलब है ज्यादा स्ट्रांग, या फिर मल्टीपल, ये भी हो सकता है वो आपसे ज्यादा स्ट्रांग है, ये भी हो सकता है कि कई लोग हैं, यानी मिसाल के तौर पे क्लास है, उसके अंदर एक उस्ताद ने बात की है तो तीन बंदे एक बात कर रहे हैं, चौथा कोई अलग बात कर रहा है, अच्छा चारों रिलायबल है, चारों रिलायबल है, तो आपका कॉन्फिडेंस किस में होगा? ऑब्वियसली उस पे होगा जिसपे तीन लोग एक बात कर रहे हैं, सही है ना? या फिर आपका कॉन्फिडेंस उसके ऊपर होगा जो बंदा ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, क्रेडिबल है, रिलायबल है एज कम्पेयर टू दैट पर्सन। हालांकि दोनों रिलायबल है, लेकिन एक बंदा बहुत बहुत बड़ा है, मुहद्दिस है, और दूसरा जरा छोटा मुहद्दिस है, ठीक है ना? तो आपका रिलायंस किस पर होगी? कॉन्फिडेंस होगी उसके ऊपर। तो ऐसी हदीस के अंदर जो बंदा अपने से ज्यादा स्ट्रॉन्गर रिवायत को, यानी आपने ये देखना है कि कहीं जो हम रिवायत असेस कर रहे हैं, हम उसकी कंडीशंस को देख रहे हैं, उसके हालात को देख रहे हैं चेन में, अब जो बंदा है वो अपने से किसी स्ट्रॉन्गर बंदे की मुखालफत तो नहीं कर रहा, अपने से किसी स्ट्रॉन्गर रिवायत यानी रावी की मुखालफत तो नहीं कर रहा। अगर तो वो मुखालफत कर रहा है तो फिर इसका मतलब है ये हदीस वीक हो जाएगी, इस हदीस को हम कहेंगे ये हदीस शाज है। और जो दूसरा होगा बंदे मुकाबल में, उसकी हदीस को हम क्या कहेंगे? वो हदीस महफूज है। महफूज का मतलब प्रोटेक्टेड है। समझ आई है कि नहीं आई आपको? देखिए, आपको अभी ज्यादा समझ नहीं आएगी, जितना मैंने आपको बताया क्या इतनी समझ आ गई है? आपके जहन में सवाल आ रहे होंगे, अभी आपको बहुत ज्यादा इस पे कॉन्फिडेंस नहीं है, डजंट मैटर, व्हाट यू नीड टू नो इज यू नीड टू नो द डेफिनेट ट्रांसलेशन एंड द मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स। यानी अगर मैं आपसे कहूं कि इल्लत का मतलब, यानी वो हदीस की पांच कंडीशन बताएं, तो आपने बताना है कि रावी आदिल हो, जाबित हो, सनत में इतिसाल हो, खबर में कोई खुफिया इल्लत ना हो, और इस तरीके से वो हदीस शाज ना हो। मैं कहूँ शाज का मतलब क्या है? आपने कहना है कि रावी उस रिवायत के अंदर किसी के अपने से ज्यादा स्ट्रॉन्गर रावी की मुखालफत ना कर रहा हो, बस दैट्स इट। और इल्लत का मतलब ये कि उसमें कोई खुफिया और बीमारी इल्लत ना हो, उससे पाक साफ हो, बस दैट्स इट। अगर आपको ये बात इतनी समझ आ गई है, दैट्स ऑल व्हाट यू आर व्हाट यू नीड टू नो, व्हाट यू नीड टू नो। क्योंकि आगे चल के जब हम मजीद चीजों को डिस्कस करेंगे, आपके सामने ये टर्म्स खुद ब खुद मजीद वाजे होती जाएंगी, क्योंकि आगे सारी डिस्कशंस जो होंगी वो इसी इन्हीं चीजों से, इत्तिसाल सनद और इस तरीके से इल्लत और शाज और इस तरह की चीजों से लिंक्ड है चीजें। तो अभी आपको सिर्फ बेसिक डेफिनेशंस का पता होना चाहिए। क्या आपको डेफिनेशन समझ आ गई है पांच? चले अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आपको समझ, दैट्स फाइन। तो मैं जरा जल्दी से एक सिर्फ जस्ट फॉर द सेक ऑफ
नोइंग जहरा, अगर मैं आपसे पूछूं कि शाज का मतलब क्या, यानी इल्लत का मतलब क्या, यानी जो चौथी कंडीशंस है, जो चौथी कंडीशन हमने पढ़ी उसको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करें, आपको क्या समझ आई है, तो आप प्लीज एक्सप्लेन करें उसको। सर, हमें इसकी ये समझ आई है कि इसके अंदर कोई भी चीज हिडन ना हो, बात क्लियर हो, और उसके अंदर इस तरह की मख्फी बात हो बस। देखिए आप बट ये ना, हमें कोई ये तो चीज सर आप हिडन है, कोई एग्जाम्पल चीज, देते सर, हमें ज्यादा क्लियर हो जाता, क्योंकि हमें इसी चीज पे डाउट हो रहा है वो मख्फी बात किस टाइप की हो सकती है। सर आप इसको छोड़े, असल में मख्फी बात ना कहें ना, आप मख्फी इल्लत कहें, बीमारी कहें, असल मसला मख्फी बात, तो ये मतलब ये जनरल सी वर्ड है। असल में मैं आपको दे सकता हूँ लेकिन आपको समझ नहीं आएगी मिसाल, हम आगे तीन चार चीजें पढ़ेंगे ना, फिर मैं आपको बताऊंगा, इसकी मिसाल दूंगा। चलिए, बकाया सर सारे पॉइंट्स क्लियर है जो इस आप सामने सिर्फ ये ना कंसर्न कहें है। कि उसमें बात क्लियर हो, कोई चीज छुपी ना हो, ये ना कहें, आप कहें उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो, खुफिया सीक्रेट या हिडन प्रॉब्लम ना हो जिसकी वजह से वो हदीस ज़ईफ हो जाए, बस आप ये कहें। ठीक है सर, ये दोबारा रिपीट कर दें सीक्रेट। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपने ये कहना है कि इसमें कोई हिडन प्रॉब्लम ना हो, छुटी छुपी हुई कोई प्रॉब्लम ना हो जिसकी वजह से वो हदीस ज़ईफ हो जाए। ठीक है सर, सर जी, शाज के बारे में कौन बताएगा? शाज का मतलब है कि एक रावी जो है वो, जो अगर किसी ने दो बंदों ने सुना है तो वो एक रावी दूसरे की अगर मुखालफत कर रहा है तो उसमें जो वो स्ट्रॉन्गर रावी होगा उसका उसको उसकी हदीस जो है वो महफूज मानी जाएगी, और जो उसका वीक रावी होगा, जो कमजोर होगा क्रेडिबिलिटी के लिहाज से या और किसी लिहाज से, तो वो उसको हम शाज हदीस कहेंगे। आपने कहना है कि वो रावी, एक रावी अपने से ज्यादा स्ट्रॉन्गर रावी की मुखालफत कर रहा हो, आसान अल्फाज में कहें, एक रावी अपने से औसत, असल में सिका कहते हैं, सिका रावी कहते हैं स्ट्रॉन्ग रावी को, ऐसे रावी जिसकी हदीस कबूल की है उसको हमारे यहाँ टेक्निकल टर्म्स में सिका रावी कहते हैं, फिका, फिका कहते हैं मजबूत, ठीक है ना, यानी स्ट्रॉन्गर रावी। तो आप कहें कि एक सिका रावी जब अपने से ज्यादा सिका रावी या औसक रावी, औसक कहते हैं ज्यादा स्ट्रॉन्गर को, तो जब एक रावी अपने से औसक रावी की मुखालफत करे तो उस हदीस को हम शाज कहेंगे, उसकी हदीस को हम शाज कहेंगे, और जिसकी वो मुखालफत कर रहा है उसकी हदीस को हम क्या कहेंगे, महफूज कहेंगे। मेरे आप मेरे बात रिपीट करें, आप बताएं, अपने अल्फाज में बयान करें इसको जरा। सर जी नोरीन, ये जो वर्ड है सर, ये वर्ड्स जो बोले ये बड़े मुश्किल वर्ड्स आपने क्या कहा है? नहीं, आपने करने हैं ना, स्ट्रॉन्गर ऑब्वियसली आप मुझे बताएं एक बात, आप सुने, ये उसूल हदीस हम जो पढ़ रहे हैं, हमने मतलब टेक्निकल वर्ड्स यूज करने हैं, हम हर वर्ड की अपनी अपना अपना इंग्लिश वर्ड तो उर्दू वर्ड नहीं ना यूज कर सकते, तो इसको कुछ ना, जी क्योंकि आपने ऑब्वियसली, बिकॉज दिस इज अ साइंस, ये कोई जाहिर है कोई, हम ये साइंस के अंदर आपको पता है टेक्निकल टर्म्स तो हमें यूज करनी पड़ती है ना, तो अब आप कहें कि तो ये सिका रावी, यानी तो शाज रिवायत, शाज कहते हैं, शाज कहते हैं सिकारा ऐसे रावी की रिवायत को जो खुद सिका हो लेकिन अपने से ज्यादा सिका की मुखालफत करे। यानी ऐसा रावी जो खुद भी सिका हो लेकिन अपने से ज्यादा सिका यानी स्ट्रॉन्ग रावी की मुखालफत हाँ करे बस ये तो जबरदस्त, वो शाज। सही है, अब जो जो मुखालफत कर रहा है, मुखालफत जो करने वाला है वो शाज हो जाएगा क्योंकि वो कमजोर है, वो यानी कमजोर का मतलब वो जी कमजोर नहीं है, मतलब वो कम रिलायबल है ना उस, एज कंपेयर टू हिम, यानी कंपैरिजन हम कर रहे हैं, खुद भी रिलायबल है, खुद भी सिका है, जी ठीक खुद भी सिका है, है सर, लेकिन वो अपने से ज्यादा जो स्ट्रॉन्गर है उसको रिफायत कर रहा है, तो अब जो खुद सिका है वो क्या होगा, उसकी हदीस को हम शाज कहेंगे, और जिसकी जो ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, जो ज्यादा सिका है, जिसको औसत भी कहते हैं, वो क्या है, उसकी हदीस को हम क्या कहेंगे। हाँ महफूज हदीस वो कहेंगे। आगे आएगा, अभी आगे ये दोबारा रिपीट होगा, बस आप अभी इतना जहन में रखें। ठीक, जी सर क्लियर इतिसाले है। सनद को कोई बताए जी, हुनैन आप बताएं, इतिसाले सनद का मतलब क्या है। सारे सनद जो है वो थोड़ा सा ऊपर जाएंगे शायद निकल ये आए हुए ऊपर, आपको नजर नहीं आ रहा, आ रहे ऊपर देखें, तारीफ गए। में मुत्तसिल सनद की कैद लगा कर। हाँ जी, जिसकी सनद कहीं मिसिंग होती है वो इक्तिसार सनद होता है। नहीं, किसी सनद मिसिंग कहाँ पे हो गई भाई, सनद मिसिंग नहीं है, आपने कहा ना सनद की जो जो सनद है ना, सनद कहते हैं किसको, चेन ऑफ नरेशन को,
चेन को कहते हैं ना, तो उस जी चेन जी ऑफ नरेशन के अंदर कोई ब्रोकन लिंक हो, या आप कह दें कोई इनकिता हो, कोई रावी मिसिंग हो, सनद मुत्तसिल ना होने का मतलब यह है कि जो चेन है उसमें कोई चीज मिसिंग है दरमियान में, ये मुराद है इसे। जिसमें कोई चीज मिसिंग है वो होता है एक, जिसमें कोई चेन जो नरेटर है वो मिसिंग हो, चेन नहीं भाई, नरेटर, नरेटर कहे, चेन तो नरेटर पूरा सिलसिला नरेटर। हो गया ना, नरेटर चेन तो पूरा सिलसिला हो गया ना। अगर वो मिसाल के तौर पे अगर वो पूरी चेन ही मिसिंग हो तो उस हदीस को, यानी उस हदीस, तो फिर वो हदीस है ही नहीं ना, वो तो यानी वो तो उसको, वैसे वो उसको भी कहते हैं, ठीक है आप उसको भी कह सकते हैं मुअल्लक, उस हदीस को कहते हैं चले, लेकिन बाल कहने का मतलब ये कि आप कहें कि उसकी चेन ऑफ नरेटर, यानी यानी उसकी चेन ऑफ नरेशन के अंदर यानी इनकिता हो, या वो टूटी हुई हो, या उसके अंदर कोई ब्रोकन लिंक हो, बस ये कह दे, काफी है, मोर देन इनफ, ठीक है इंशाल्लाह। अब मुझे बताएं कोई ऐसा है जिसको ये तीन चीज समझ ना आए, जितनी मैंने समझाई है बस, इससे ज्यादा आगे चीजें देखें, इनमें हमने मजीद तफसील में जाना है, ये भी हम इस पर छोड़ नहीं रहे, अभी मजीद जब हम इस पर डिस्कशन करेंगे आपकी चीजें और भी रिपीट होंगी बार बार इंशाल्लाह। चलें जी, ठीक है इंशाल्लाह, आगे चलते हैं जी। सही हदीस की अब हमने बात की, तो सही हदीस से अब पांच, दोबारा रिपीट करता हूँ जी, पांच कंडीशंस पूरी होंगी तो वो सही हदीस होगी। पहली चीज क्या है जी, वो हदीस का जो रावी है वो आदिल होगा, अदालत होगी उसमें पाई जाती हो, यानी वो उसमें हमने पांच चीजें की ना, आकिल हो, मुसलमान हो, आकिल हो, बालिग हो, ठीक है ना, कबीरा गुनाह ना करने वाला हो और छोटे गुनाह पर इसरार ना करने वाला हो। जाबित का मतलब क्या है, रावी का जब्त क्या मतलब है कि वो महफूज कर सकता हो उसको, या तो अपने सीने में अच्छी तरीके से, और जब भी उसे पूछा जाए तो वो उसको नरेट कर सके, बयान कर सके, और इसी तरीके से अपनी किताब के अंदर महफूज भी कर सकता हो, यानी अगर वो किताब को यूज कर रहा है तो उसके किताब के अंदर भी गलतियों से पाक उसने उसको महफूज किया हो, और वो उसको बिल्कुल बेआईनी ही जिस तरीके से उसने महफूज किया उसी तरीके से उसको आगे लोगों तक भी पहुंचा सकता हो, ठीक हो गया। इसी तरीके से फिर हमने कहा जी इत्तिसाले सनद, यानी सनद जो चेन ऑफ नरेशन है उसके अंदर कोई लिंक ब्रोकन ना हो, दैट्स इट, इतना ही बताएं, ठीक है ना, और मैंने आपको उसकी मिसाल दी थी कायदे आजम की, और अपनी मिसाल दी ना, या इसी तरीके से कोई भी हिस्टोरिकल फिगर ले लें दरमियान में, तो दरमियान में कोई भी चीजें अगर मिसिंग है तो इसका मतलब है कि वो हदीस जो है दरमियान में, वो बंदा जो मिसिंग है पता नहीं वो कैसा कैसा है, तो हम कैसे उस हदीस पर रिलाई कर सकते हैं ना, हमें पता ही नहीं है कि दरमियान में, जैसे हम बाइबल के बारे में कहते हैं कि वी डोंट इवन नो कि उस बाइबल के ऑथर्स कौन है, मतलब वो कौन से लोग हैं जिन्होंने डायरेक्टली सईदना ईसा अली सलाम से पूरी बाइबल सुनी और हम तक पहुंचाई, हमें उनका पता ही नहीं है, तो हम कैसे रिलाई कर लें इस सारे टेक्स्ट पे ना। तो बाइबल के बारे में हम यही कहते हैं ना कि उसकी सनद में चेन ऑफ नरेशन के अंदर इनकिता है, यानी जब बाइबल लिखी गई उससे पहले और सईदना ईसा अली सलाम के दरमियान पता नहीं कितने सौ सालों का फर्क है, पता ही नहीं दरमियान में कौन लोग थे जिन्होंने लिखा है, और जिन्होंने लिखी है वो बाइबल उनके नामों का भी नहीं पता कि वो किस किस्म के लोग थे, वो अच्छे लोग थे, बुरे लोग थे, कैसे थे, अल्लाह माफ करे, बहरहाल वो नबी तो नहीं थे ना, क्योंकि नबी होते तो हम उन पर रिलाई कर सकते हैं, अब वो बंदे हो सकता है झूठे हों, दो नंबर हों, पता नहीं क्या अपनी मर्जी से उन्होंने लिखा हो, ठीक हो गया। चले जी, ठीक हो गया, आगे देखें जी, फिर हमने कहा कि हदीस के अंदर शाज ना हो, शाज का मतलब ये है कि किस कोई सिका रावी किसी दूसरे रावी की औसत की मुखालफत ना कर रहा हो उस रिवायत के अंदर, उस हदीस के अंदर ना, जाहिर है एक हदीस की हम बात कर रहे हैं वो एक रिवायत कर रहा है, और अपने से ज्यादा स्ट्रॉन्गर या अपने से ज्यादा सिका की मुखालफत ना कर रहा हो, ये शाज की, ये अदम मौजूदगी की बात होगी कि शाज ना हो, क्योंकि अगर वो करेगा तो वो हदीस शाज हो जाएगी, आगे महफूज वो उसकी जो मुखालिफ है वो हदीस महफूज होगी, उसकी आगे बात करेंगे, कोई मसला नहीं, अभी बस आपको कोई हदीस शाज ना हो। है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे कि कौन सा रावी कौन से, यानी कि जो उसके पॉइंट्स वगैरह उसके अंदर ये चीजें होनी चाहिए, जिस तरह हमने सही हदीस की पढ़ी है अभी, क्या है ये सर, सनद के बारे में, इल्लत के बारे में, तो रावी के बारे में भी पढ़ेंगे कि कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसके अंदर ये वाले पॉइंट्स हाँ होने बिल्कुल, चाहिए। ये देखिए मैं तो अभी हमें, मैं बताऊं ये उसूल हदीस एक पूरी साइंस है, एक एक चीज के बारे में जैसे जैसे आप डीपर जाते रहेंगे इतनी तफसीलात हैं कि आप हैरान हो जाएंगे, तो एक एक चीज जो है बहुत, यानी अब इसमें इख्तलाफात भी हैं उलमा के, मुख्तलिफ आरा भी हैं, फिर इसके अंदर मुख्तलिफ डिस्कशन एंड डिबेट्स भी हैं, अभी तो मैं आपको सिंपल, आपको मैं देखें, हमारा मकसद पता है क्या उसूल हदीस, हमारा उसूल हदीस का मकसद ये नहीं है कि इस उसूल हदीस के बाद आपको जो है ना वो हदीस को आप असेस कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं, उसूल हदीस की ये जो लेवल है इसके अंदर सिर्फ आपको कुछ डेफिनेशंस का मफहूम आना चाहिए, दैट्स इट,
इसीलिए अगर आपके जहन में, अगर आपको शाज और इल्लत का एक मोटा मोटा आइडिया है कि व्हाट इज इट अबाउट, कि इल्लत का मफहूम क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, बस वो मोर देन इनफ है, दैट्स ऑल व्हाट यू नीड टू नो राइट नाउ, क्योंकि इसमें इतनी डिटेल्स हैं। असल में मैं आपको बात बात कह रहा हूँ, इल्लत असल में मुख्तलिफ टाइप्स की होती है, बहुत मुख्तलिफ किस्में होती हैं। बाज़ुकात होता यह है कि एक रावी, मैं आपको मिसाल देता हूँ, एक हदीस है उसके अंदर एक सहाबी एक बात कर रहा है, दूसरी बिल्कुल ऑथेंटिक हदीस है, दूसरी हदीस जो है उसके अंदर एक और जो है ना वो सहाबी कोई और बात कर रहा है, दोनों ऑथेंटिक अहादीस है। अब हो ये रहा है कि एक हदीस दूसरे हदीस के बिल्कुल मुखालिफ आ रही है। अब होता ये है कि जो पहली हदीस है जिसमें वो एक सहाबी बात कर रहा है, अब वो दोनों बाहर तो वो सारी कंडीशंस पूरी करें, वो हदीसें सही होनी चाहिए, लेकिन उसमें मख्फी इल्लत, ये छुपी हुई प्रॉब्लम ये है कि वो जो सहाबी बयान कर रहा है वो सहाबी छोटा है, उसने उस इंसिडेंट को डायरेक्टली खुद ऑब्जर्व नहीं किया, जबकि दूसरा जो सहाबी है जो उसी इंसिडेंट के बारे में कुछ और बयान कर रहा है, उसने डायरेक्टली उस इंसिडेंट का पार्ट था वो। तो अब इसके अंदर प्रॉब्लम आ गई हमारे पास कि एक ने डायरेक्टली उस चीज को ऑब्जर्व किया, एक ने डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं किया। अब हो ये रहा है कि दोनों की मुखालफत है, तो अब एक चीज, एक रावी, अब मिसाल के तौर पर ये तो रावियों की, हम सहाबी की बात कर रहे हैं, तो अब इस हदीस के अंदर, एक हदीस के अंदर अब ये प्रॉब्लम आ गई कि टेक्स्चुअल जो है ना डिफरेंस आ रहा है, तो अब हमने किस टेक्स्ट को अहमियत देनी है, किसको नहीं देनी, हमने उसको देनी है जिसमें उस सहाबी ने डायरेक्टली उस चीज को ऑब्जर्व किया, उस इंसिडेंट के पार्ट थे, और दूसरे सहाबी जो उस इंसिडेंट के पार्ट नहीं थे, जो उन्होंने डेफिनेटली किसी और सहाबी से बात सुनी होगी, और जाहिर है जब सुनी हुई होगी तो उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस आ गया होगा सुनते हुए। अब ये एक छोटी चीज थी, एक मख्फी चीज थी, तो जिसकी वजह से एक हदीस को हम कबूल नहीं कर रहे, क्योंकि उसमें एक छुपिया, एक खुफिया ऐसी प्रॉब्लम आ गई जिससे आइडेंटिफाई करने के बाद हम उस हदीस को कबूल नहीं कर पा रहे, ठीक है ना। तो इस तरह की खुफिया चीजें होती हैं, वो खुफिया प्रॉब्लम, यानी आप जनरल कैटेगरी बना देते हैं कि कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो, कोई ऐसी चीज ना हो जिसकी वजह से कोई और ऐसी प्रॉब्लम ना हो, यानी आपने चार चीजें तो डिफाइन कर दी ना कि वो बंदा आदिल हो, जाबित हो, इत्तिसाले सनद हो, शाज ना हो, अब इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम होगी तो वो किस में आएगी, किस कैटेगरी में फॉल करेगी, वो इल्लत की कैटेगरी में फॉल करेगी, ठीक है ना। तो ये एक मैंने आपको बेसिक सी बड़ी क्रूड किस्म की एग्जाम्पल दी है, टेक्निकल एग्जाम्पल्स इंशाल्लाह वो मैं आपको बाद में दूंगा, ठीक है। इंशाल्लाह आप बाद में इसको देखिएगा, अपने जहन में रखिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको बाद में इसकी टेक्निकल एग्जाम्पल्स दूंगा, उससे आपको थोड़ी सी मजीद समझ आएगी। अभी जरा मैं चाह रहा हूँ अभी बेसिक, बस आप ना टर्म्स को बस इसको इंटरनलाइज करें, सिंपल टर्म्स को समझे, दैट्स इट, क्योंकि जितना आपको मैं इन चीजों को खोलूंगा डिस्कस करूंगा ना, हो सकता है आपके लिए चीजें कम्प्लेक्स हो जाए, सो आई वॉन्ट टू कीप इट वेरी वेरी सिंपल एंड बेसिक राइट नाउ। अच्छा जी, अब सही अहादीस को, अभी एक चीज छोटी सी है, इसको भी जरा समझ लें कि हमारे यहाँ सही अहादीस के मरातिब है मोटे मोटे। हमारे यहाँ जनरली सही हदीस के जो है ना वो 7 मरतबे उलमा ने जिक्र किए हैं। सबसे टॉप की हदीस वो होती है जिस पर इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम मुत्तफिक हों, जैसे आपने देखा होगा कुछ अहादीस के एंड पे लिखा होता है मुत्तफकुन अलैह, ये हदीस की आप समझ लें मुतवातिर के बाद, मुतवातिर के बाद सबसे स्ट्रॉन्ग लेवल की हदीस कौन सी होती है जिसके आखिर में मुत्तफकुन अलैह लिखा हुआ है, इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम जो है उस पर इत्तेफाक कर रहे हैं, उन दोनों को इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने क्या किया है, मुत्तफकुन अलैह तौर पे बयान किया है, उन दोनों हदीस को इमाम बुखारी, यानी एक ही हदीस है जिसको इमाम बुखारी भी बयान कर रहे हैं, दूसरी हदीस है उसको इमाम मुस्लिम भी बयान कर रहे हैं, यानी इमाम बुखारी ने भी एक ही चेन से एक चीज बयान की है, इमाम मुस्लिम ने भी क्या किया है अपनी चेन से वो ही हदीस बयान कर दी। अब ये दोनों स्ट्रॉन्गेस्ट आप समझ ले बड़े से बड़े मुहद्दिसीन है, इमाम बुखारी और मुस्लिम बहुत बड़े मुहद्दिसीन है, और इनको बकायदा बहुत बड़ा शर्फ अल्लाह ने दिया है मुहद्दिसीन के दरमियान, तो अब अगर ये दो बड़े मुहद्दिस किसी चीज पर मुत्तफिक हो जाए तो वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हदीस कंसिडर की जाती है। बकायदा इस पर पूरी किताब है जिसके अंदर इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम की जो मुत्तफकुन अलैह हदीसें हैं उनको इकट्ठा किया है, उसको कहते हैं अल्लुलू अल मरजान, आपने देखा होगा इसमें अल्लुलू अल मरजान के ऊपर बकायदा कोर्सेज भी होते हैं हमारे यहाँ, अल्लुलू अल मरजान की किताब है, उसके अंदर उन्होंने क्या किया है इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम की मुत्तफकुन अलैह हदीसों को इकट्ठा कर लिया जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट तरीन है, ठीक हो गया जी। फिर सेकेंड लेवल है जिसे इमाम बुखारी सिर्फ रिवायत करें, इमाम मुस्लिम नहीं कर रहे, सिर्फ इमाम बुखारी रिवायत करें, सेकेंड लेवल है। अच्छा, इमाम बुखारी जो है जाहिर है इमाम मुस्लिम से
किस एतबार से ज्यादा यानी बड़े मुहदिस कंसिडर किए जाते हैं? उसकी बहुत बड़ी वजह ये है, कई वजूहत है उसकी। एक बहुत बड़ी वजह हदीस के अंदर खास तौर पे ऑथेंटिसिटी के हवाले से वो ये है कि इमाम बुखारी की जो हदीस को असेस करने की जो कंडीशंस थी ना, वो बहुत स्ट्रांग थी, बहुत स्ट्रिक्ट कंडीशंस है इमाम बुखारी की, बहुत स्ट्रिक्ट कंडीशंस है। और अगर इमाम बुखारी किसी हदीस को कबूल कर लेते हैं, इसका मतलब है कि वो बहुत ऑथेंटिक हदीस है। थर्ड लेवल पे इमाम मुस्लिम रिवायत करें, जिसे सिर्फ इमाम मुस्लिम रिवायत करें, इमाम बुखारी नहीं कर रहे, सिर्फ इमाम मुस्लिम रिवायत करें। इमाम मुस्लिम ने अपनी किताब सही मुस्लिम के अंदर उसको नकल किया, और वो सही बुखारी में मौजूद नहीं है। अगर तो सही बुखारी में भी मौजूद है तो फिर मुत्तफ़क़ुन अलैह होगी ना। और एक है जो इमाम बुखारी ने सिर्फ जिक्र किया, इमाम मुस्लिम ने जिक्र नहीं की, और एक है जिसको सिर्फ इमाम मुस्लिम ने अपनी किताब के अंदर नकल कर दिया। तो इमाम बुखारी की जो कंडीशन थी हदीस को एक्सेप्ट करने की, देखिए हर मुहदिस जो था ना, वो उसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग कंडीशंस होती थी जिनकी बेसिस के ऊपर वो क्या करता था, एक हदीस को अपनी किताब के अंदर शामिल करता था, और वो उन कंडीशंस को मेंशन भी करता था कि मेरे नजदीक मैं जब किसी हदीस को सही कहूंगा तो ये कंडीशंस गो थ्रू। एक तो जनरल कंडीशंस हमने बयान की ना, जो आपके सामने जिक्र की, पांच कंडीशंस। इसी तरीके से इसके अलावा भी क्या होता था, ये तो बेसिक कंडीशंस है, इसके अलावा एक्स्ट्रा कंडीशंस, यानी इन्हीं कंडीशंस के अंदर मजीद तफसीलात में जाएंगे तो मजीद कोई एडिशनल कंडीशंस बड़े बड़े अइम्मा लगाते थे अपने साथ, जो उनकी नॉलेज और असेसमेंट के मुताबिक अहम होती थी। तो इमाम बुखारी की कंडीशन सबसे ज्यादा कंसीडर की जाती हैं, सबसे ज्यादा अहम, फिर इमाम मुस्लिम की। तो हमने जो कंडीशंस पढ़ी हैं, आप समझ लें ये तमाम ऑलमोस्ट ये वो कंडीशंस हैं जिनको हर हालत में हर मुहदिस मानता है। अब इसके अलावा और मजीद एडिशनल कंडीशंस जो लगाएंगे, वो जाहिर है वो हर मुहदिस अपने मुताबिक लगा सकता है, लेकिन ये तो बेसिक पांच कंडीशंस तो है ही है, यानी जिनको सारे ही कबूल करते हैं, ठीक है ना। तो इमाम बुखारी जिसे रिवायत करें, फिर जिसको सिर्फ इमाम मुस्लिम रिवायत करें। अब चौथी चीज क्या है, जो शेखैन की शर्त पर हो लेकिन उन्होंने इसे रिवायत ना किया हो। एक ऐसी हदीस है, शेखैन से मुराद कौन है, दो लोग, इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम। अब एक हदीस ऐसी है जो इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने रिवायत तो नहीं की, यानी क्या मतलब है, उन्होंने अपनी किताबों के अंदर उसको मेंशन तो नहीं किया, लेकिन जो उनकी कंडीशंस है ना, जो वो कंडीशंस उन्होंने अपनी बयान की हुई है, उन दोनों की कंडीशंस पे पूरी उतरती है। अब वो कौन असेस करेगा उनकी कंडीशंस पे पूरी करता है, वो जाहिर है कोई और मुहदिस करेगा, कोई थर्ड पर्सन करेगा ना। जैसे कि इमाम हाकिम है, इमाम हाकिम ने ये काम किया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि ऐसा करता हूँ, इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम की कंडीशंस को मैं सामने रखता हूँ, और फिर उस पर क्या करता हूँ कि जो जो हदीस जो इमाम बुखारी और मुस्लिम ने नहीं मेंशन की, ठीक है ना, जो उन्होंने खुद तो मेंशन नहीं की लेकिन उनकी कंडीशंस पे पूरी उतरती हैं इमाम हाकिम के नजर के मुताबिक, तो मैं उनको कंपाइल करता हूँ। और उन्होंने उससे क्या किया, एक किताब तैयार की जिसका नाम मुस्तदरक अल हाकिम, ठीक है ना। तो मुस्तदरक अल हाकिम जो है, ये किताब उन्होंने इस नजर से तैयार की कि मैं उन हदीसों को इकट्ठा करूंगा जो इमाम हाकिम के नजदीक इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम की कंडीशंस के मुताबिक है, लेकिन उन्होंने उनको खुद जिक्र नहीं किया। अगर वो खुद जिक्र कर देते तो ऑब्वियसली वो तो बड़ी स्ट्रांग होती, लेकिन अगर उन्होंने खुद नहीं जिक्र किया, किसी और थर्ड पर्सन ने, मुहदिस ने जिक्र किया, तो वो चौथा लेवल है। अच्छा, इसको चौथे लेवल पे क्यों रखा, इसको हमने पहले लेवल पे क्यों नहीं लेके आए, कोई बता सकता है भाई? कंडीशंस को पूरा कर रही है तो फिर उनको पहले लेवल पे होना चाहिए ना। व्हाट डू यू थिंक? इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने उन्होंने खुद रिवायत नहीं ना किया, इस वजह से इसको चौथे नंबर पे रखा इसको गया। चौथी कंडीशंस पे क्यों लेके आए फिर, क्यों नहीं रिवायत की? सर वो शायद इसलिए कि वो उस पर्टिकुलर मुहदिस की अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक है। हाँ बिल्कुल सही मतलब कह रहे, जैसे इमाम हाकिम है, उनकी हो सकती है अंडरस्टैंडिंग कुछ और हो, उनकी शर्त पे हाँ बिल्कुल उतरने के सही लिए कह रहे हैं, कोई और बिल्कुल सही मुद्दा कह कुछ रहे और हैं हो। जी, ऐसे ही है। यानी इमाम हाकिम, क्योंकि देर इज अ पॉसिबिलिटी ना, देर इज अ पॉसिबिलिटी कि इमाम हाकिम को लग रहा है कि ये उन कंडीशंस के मुताबिक हो सकता है, इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम के नजदीक ना होती हो। ऐसे ही होता है ना कि बाज़ुकात आपको लगता है कि एक बंदे की कंडीशन के मुताबिक है लेकिन हो सकता है वो ना हो। तो भाई अगर होती थी तो इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम को खुद चाहिए था कि वो मेंशन कर देते ना, उन्होंने नहीं की, इसका मतलब है कि कोई वजह है। अब ये भी वजह हो सकती है, हो सकता है उसको उन हदीसों का पता ही ना हो, लेकिन बहरहाल इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम इतने बड़े मुहदिस हैं कि बहुत कम ऐसी अहादीस थी जो उनकी नजर से ओझल रह गई हो, ज्यादातर हदीसें उनके उनके नजर में थी। तो अगर उन्होंने नहीं जिक्र की और वो एक बहुत बड़ी किताब इकट्ठी हो गई, इसका मतलब है कि इसमें बहुत सी ऐसी अहादीस होंगी डेफिनेटली जो इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम को पता होंगी कि हैं, लेकिन उन्होंने इसको शायद उनके मुताबिक अपने उनकी कंडीशन पे पूरी नहीं उतर रही होंगी। लेकिन इमाम बुखारी के
इमाम हाकिम के नजदीक या किसी वो जो पर्टिकुलर मुहदिस है जो कंपाइल कर रहा है उसकी नजर में होंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा लेवल ऑफ इज्तिहाद आ जाता है। आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई, समझ आ गई है? सईदा महमूद आपको समझ आ गई कि नहीं आई? बाकी तो माशाल्लाह बोल रहे हैं, आप मुझे बताएं, आप खामोश हैं बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी सर। आ रिया सर, आपने मुझसे पूछा नहीं इसलिए फिर मैं खामोश थी कि अच्छा शायद सवाल आपसे सवाल क्वेश्चन नहीं, करूं। आप खुद भी बोला करें, मैं ना भी पूछूं तो खुद भी बोल लिया करें, कोई मसला नहीं। चले जी, जी ठीक हो गया, इंशाल्लाह सर, थैंक यू। आगे चलते हैं जी। अच्छा जी, उसके बाद फिर ये है कि उसके बाद फिर जो सिर्फ इमाम बुखारी की शर्त पर हो, यानी उसकी कंडीशन पर हो, लेकिन इमाम बुखारी ने उसको मेंशन ना किया हो, और फिर जो है जो सिर्फ इमाम मुस्लिम की शर्त पर हो, डेफिनेटली लॉजिकल ऑर्डर है ना, यही बन रहा है ना, तो एक लॉजिकल ऑर्डर तैयार हो रहा है जी। और आखिर में जिसे शेखैन के अलावा दूसरे अइम्मा ने सही करार दिया हो और वो उनकी शर्त पर भी ना हो, तो आखिरी हदीस कौन है भाइयों और बहनों, कि जिसको दूसरे अइम्मा ने अपनी शर्त के मुताबिक करार दिया हो, एक मिनट जरा सब्र कीजिएगा जी, जो दीगर अइम्मा ने क्या किया हो, यानी हो ये रहा है कि दीगर जो अइम्मा जो स्कॉलर्स हैं मुहद्दिसीन, उन्होंने उनको सही करार दिया हो लेकिन वो इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम की कंडीशंस पर ना हो, जैसे मिसाल के तौर पे इमाम इब्ने खुजैमा हो गए, इब्ने हिब्बान हो गए। अब इन्होंने भी तो कई हदीसें सही करार दी है ना, अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ हदीस सही सिर्फ इमाम बुखारी और मुस्लिम ने करार दी है, दुनिया में और कोई मुहद्दिस नहीं था, नहीं, बाकी मुहद्दिसीन भी थे और उन्होंने भी हदीसों को सही और ज़ईफ़ कहा, लेकिन बहरहाल उनकी कंडीशंस इतनी स्ट्रांग नहीं थी असेसमेंट की जितनी इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम की थी, और इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम की जो जो कंडीशंस हैं उनको पूरी उम्मत ने बकायदा कंसेंसस के तौर पे एक किस्म का इत्तेफाक कर लिया कि हाँ इनकी कंडीशंस को हम सारे कबूल करेंगे। लेकिन इमाम इबन हिब्बान हो गए, दीगर अइमा हो गए, इमाम ने खुजैमा हो गए, अब इनकी ज़ाहिरा किताबों को इन इन मुहद्दिसीन को उतना स्टेटस नहीं मिला जितना इमाम बुखारी और मुस्लिम को मिला जी। ज़ाहरा सर ये जो सनन निसाई वगैरह वाली जो अहादीस हैं इसके बारे में भी थोड़ा सा बता दें। अच्छा तो ये वही है ना, दीगर अइमा, ये इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम से निचले दर्जे के हैं ना, यानी इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम के बाद इनका स्टेटस आता है, यानी इनकी हदीसें भी सही होती हैं। तीसरे तीसरे नंबर पे यानी कि सनन नहीं निसाई आते वो हैं ये कह तीसरे रहे लेवल हैं। पे नहीं, हमने हमने तीसरे लेवल पे नहीं लेके आते उनको, हम तीसरे लेवल पे नहीं लेके आ रहे, हम जनरली कह रहे हैं हम उसको सातवें लेवल पे लेके आ रहे हैं। देखिए इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम की शराइत बहुत सख्त कंडीशन थी, जो हदीस इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम की कंडीशन पे आती हैं वो भी काफी स्ट्रांग होती हैं, और मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स याद रखिएगा वो कंडीशंस बाकी अइमा के नजदीक भी ऑथेंटिक होती हैं, ठीक है ना। देखिए एक बंदा ना, देखिए मुझे एक बात बताएं, एक बंदा जिसकी कंडीशंस जो असेसमेंट की कंडीशंस थोड़ी कमजोर है, कमजोर का मतलब ये है कि वो कोई बहुत सख्त नहीं है, और एक की बहुत सख्त है, तो जिसकी बहुत सख्त होती है तो डेफिनेटली वो जो कमजोर जो जिसकी कम कंडीशन है तो जाहिर है उसके नजदीक भी वो हदीस सही होगी ना, ऐसा है कि नहीं है। तो होता ये है कि डेफिनेटली जो इमाम बुखारी ने जब किसी हदीस को सही कहा है तो इमाम नसाई या इमाम तिरमिजी और दीगर इमाम अबू दाऊद वगैरह जब उन हदीसों को असेस करते थे तो जो इमाम बुखारी की कंडीशंस पे पूरा उतरती थी सही होने की, डेफिनेटली डेफिनेटली वो इमाम मुस्लिम इमाम सॉरी इमाम अबू दाऊद और इमाम तिरमिजी और इब्ने माजा वगैरह की कंडीशन पे भी पूरी उतरती थी, तो वो उनको भी सही कहते थे। लेकिन अब प्रॉब्लम आती है वहां पे जहां पे इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम एक हदीस को सही, यानी उनके बारे में खामोश है, उनके बारे में खामोश है, उन्होंने उसको मेंशन भी नहीं किया, लेकिन इमाम तिरमिजी इब्ने माजा और अबू दाऊद उसको सही कह रहे हैं, तो क्या वो सही है कि नहीं? तो हम कहते हैं हाँ वो भी सही है, वो भी सही है, क्योंकि बहरहाल वो भी बड़े मुहद्दिस है उनके भी, हम उनको, हाँ ये बात अलग है कि उनकी कंडीशंस इतनी स्ट्रांग नहीं, अब मतलब ये नहीं है कि, देखिए एक होता है कि एक्स्ट्रा केयर करना, एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेना, और एक होता है कि बिल्कुल ही जिसे कहते हैं अल्लाह माफ करे कोई कंडीशंस लगाना ही ना, ऐसी बात नहीं है, यानी इमाम अबू दाऊद इमाम तिरमिजी वगैरह ऐसी बात नहीं है अल्लाह माफ करे कि उनकी जो कंडीशंस होती थी वो कमजोर होती थी, नहीं वो भी स्ट्रांग होती थी, वो स्ट्रांग होती थी, बस ये होता था कि वो इतनी सख्त कंडीशंस नहीं होती थी जितनी इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम की होती थी, बल्कि मैं आपको बताऊं कई अइमा जो थे, कई स्कॉलर्स ने इमाम बुखारी की कंडीशंस को ज्यादा बाकायदा क्रिटिसाइज भी किया कि इन्होंने अननेसेसरली ज्यादा सख्त कंडीशंस लगा दी, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि बाकर, हाँ अच्छा इसमें कुछ ऐसे, हाँ कुछ ऐसे स्कॉलर्स और मुहद्दिसीन हमें मिलते हैं कि जो जनरली ना, जो जनरली क्या होते थे, जो जनरली थोड़े से रिलैक्स्ड होते थे व्हेन इट कम्स टू हदीस, हमारे यहाँ कुछ बकायदा मुहद्दिसीन की कैटेगरीज भी बनाई गई हैं जो अभी बार मैं आपके साथ शेयर नहीं करना चाहता, लेकिन चले मैं कर देता हूँ। हमारे यहाँ मुहद्दिसीन की कुछ कैटेगरीज भी है, यानी कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जैसे इमाम बुखारी और मुस्लिम के जो बहुत ज्यादा एहतियात करते थे, जो सख्त होते थे, जिनको मुतशद्दीदीन भी बाज़ूकात कह दिया जाता था कि अपनी कंडीशन में अननेसेसरली सख्त है,
इमाम बुखारी के बारे में बाज़ुकात कुछ अइमा ने ये बात कही कि जी ये अपनी कंडीशंस में अननेसेसरली ज्यादा सख्त है। बाकी एक अलग डिबेट है कि वो है थे कि नहीं, वही अलग बात है, लेकिन बाल उन्होंने कहा ये अननेसेसरली ज्यादा प्रिकॉशंस ले रहे हैं, इतनी जरूरत नहीं थी। अच्छा, कुछ ऐसे होते हैं जो मीडियोकर्स होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो थोड़े नरम मिजाज भी होते हैं, यानी वो बाज़ुकात कमजोर हदीस को भी बाज़ुकात थोड़ी सी लेवरेज दे के उसको कंसिडर कर लिया करते थे। तो हमारे यहाँ कुछ ऐसे भी थे। तो डेफिनेटली जो हमारे यहाँ सिहा सित्ता वाले हैं ना, जो अबू दाऊद और इब्ने माजा और नसाई वगैरह, ये आपको कभी भी ये मुतसाहिलीन में नहीं आते। मुतसाहिलीन को होते हैं वो रिलैक्स स्कॉलर्स, जो जरा थोड़े से रिलैक्स होते हैं, उनमें शामिल नहीं होते। ये एवरेज में, यानी उनमें आते हैं जो बहुत सख्त भी नहीं है, बहुत नरम भी नहीं है, दरमियान है, नॉर्मल है, यानी जो एक ड्यू इंपॉर्टेंस और केयर देते हैं। बहरहाल आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। इसीलिए तो इनको सिहा सित्ता कहा जाता है ना। सिहा सित्ता इसीलिए इनको कहा जाता है क्योंकि दे वर नॉट ईजी, दे वर नॉट रिलैक्स्ड, यानी इन्होंने ऐसा नहीं किया कि हर किस्म के हदीस को बस कबूल कर लिया, ऐसी बात नहीं है। ये भी थे सख्त, लेकिन ये मतलब उतने सख्त नहीं थे जितने इमाम बुखारी और मुस्लिम थे। इसीलिए इनकी हदीसों को सिहा सित्ता कहा जाता है कि दे आर मोस्ट कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट रिलायबल सिक्स वॉल्यूम। वैसे तो मुसनद अहमद भी है, वो भी है, इमाम मालिक की मुवत्ता भी है, ये सारी है, मान लो उनमें थोड़े थोड़े डिफरेंसेज हैं, लेकिन जो असल जो छह जो किताबें हैं हदीस की, उनको अल्लाह ताला ने ज्यादा मकबूलियत दी और उनका उनकी तरफ लोगों का रुझान ज्यादा हुआ, इंक्लिनेशन ज्यादा हो गई। सर सहाय सित्ता में कौन कौन सी आयमा शामिल है? सिया सित्ता में यही है ना, बुखारी मुस्लिम हो गए, इमाम तिरमिजी हो गए, अबू दाऊद हो गए, नसाई हो गए और इब्ने माजा हो गए। सर जो हजरत सबसे ज्यादा यानी कि जो रवायत है वो हजरत अबू हुरैरा से है, तो वो भी तो लिखते होंगे ना, तो वो वाला यानी कि जो बुक फॉर्म में या जैसे भी है वो है अभी भी यानी कि? असल में हुआ ये था कि हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला ने, जो सहाबा है ना खास तौर पे, वो ज्यादा अहादीस को लिखा नहीं करते थे बल्कि याद किया करते थे, और उन्होंने अगर कुछ हदीसें लिखी भी हैं तो वो थोड़ी सी लिखी हैं। तो अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला ने की एक हदीस की कंपाइलेशन हमारे पास मिलती है जो उनके स्टूडेंट ने कंपाइल की थी और वो पब्लिश भी है, उसको कहते हैं सहीफा हम्माम बिन मुनब्बे, ठीक है ना, वो मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा, उसका तर्जमा भी हो चुका है उन अहादीस का, जिनको उनके स्टूडेंट्स ने, उनके स्टूडेंट जो थे हम्माम थे, उन्होंने कंपाइल किया था, लेकिन वो छोटा सा है, यानी ऐसा नहीं होता था कि वो सारी हदीसों को उन्होंने लिखा था। हाँ, कुछ हदीसों को लिखा भी था लेकिन कुछ हदीसों को उन्होंने जनरली नरेट भी किया था। अब वो जो सारी हदीसें हैं वो मुख्तलिफ किताबों के अंदर महफूज हो चुकी हैं, यानी अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला की किताबें जो है उनकी, यानी मुख्तलिफ किताबों के अंदर, सुनन ये सिहा सित्ता के अंदर और इस तरीके से दीगर किताबों के अंदर वो महफूज हो चुकी हैं, कुछ बुखारी में है, कुछ मुस्लिम में है, कुछ अबू दाऊद में है, कुछ तिरमिजी में है, तो इस तरीके से वो महफूज हो चुकी है ना उनकी। लेकिन उनकी अपनी जो एक कंपाइलेशन, जो उनके स्टूडेंट हम्माम बिन मुनब्बे जो थे, जिन्होंने उनसे वो रिवायत की है, उसको सहीफा कहते हैं, वो मौजूद है, वो बकायदा सहीफा मिला भी था उलमा को, उन्होंने उसको कंपाइल भी किया और वो अभी इस टाइम मौजूद भी है, तो आप वो भी देख सकते हैं डायरेक्टली, उसके अंदर भी सही सही जनाब रजी अल्लाह तआला ने की हदीसें मौजूद है। लेकिन अब ऑब्वियसली हुआ ये था कि वो चीजें जो थी वो अब इतनी प्रिजर्व नहीं ना, उस जमाने के अंदर जिस चीज पे पता नहीं कहाँ कहाँ पे लिखी जाती थी। अब कुरान मजीद मिसाल के तौर पे, अब कुरान मजीद जो था, अब उसका जो एक्चुअल मैन्यूस्क्रिप्ट था, वो मैन्यूस्क्रिप्ट या फिर वो जो पेज था या सफा था जिसपे सईदना उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने, या इवन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह के रसूल ने तो पेजेस के ऊपर नहीं लिखवाया ना, अल्लाह के रसूल ने तो मुख्तलिफ चीजों पर लिखवाया था, हड्डियों के ऊपर, पत्तों के ऊपर, चमड़े के ऊपर, पता नहीं कहाँ कहाँ पे किन किन चीजों पर लिखा होता था कुरान अल्लाह के रसूल सल्लम के दौर में। लेकिन बाद में जाके सईदना उस्मान के दौर में बाकायदा सहीफे की सूरत में आया ना, बाकायदा प्रॉपर जिसे कहते हैं, और उसको फिर उसकी छांटी भी की गई और उसकी जो जो कुछ एडिशंस लोगों ने की हुई थी अपने अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, वो एडिशंस भी रिमूव की गई, छांटी की गई। अब वो जो कंपाइलेशन, अब सवाल ही पैदा होता है कि वो कुरान किधर गए जो उन्होंने तैयार किए थे कुरान, ठीक है ना, ऑफिशियली सईदना उस्मान रजी अल्लाह तआला। अब वो कुरान जाहिर है वो पेजेस पता नहीं पेपर अब वो खत्म हो गए, क्योंकि लोगों ने क्या किया उस कुरान के जरिए आगे अपनी कॉपीज बना ली उसकी, उसको याद किया, उसको याद करने के साथ साथ फैलाया आगे। तो कहने का मतलब है कि हमें एज सच कोई वो चीज तो नहीं मिलती, लेकिन बहरहाल हमारे पास वो चीज महफूज है और तरह से। तो इसी तरीके से हमारे जो अइमा थे, हमारे सहाबा थे, उन्होंने भी अपनी हदीस की कंपाइलेशन की थी, जैसे सहीफा अब्दुल्ला अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रजी अल्लाह अन्हुमा थे, वो उन्होंने अपना सहीफा रखा था, सैयदना अबू हुरैरा का सहीफा था, और भी अइमा जो थे जो सहाबा में मुहद्दिसीन थे बड़े बड़े, उनके भी अपने छोटे छोटे सहीफे थे, लेकिन वो छोटे छोटे से थे और वो स्कैटर्ड थे, और उनको बाद में, क्योंकि ज्यादातर रिलायंस जो थी वो हिफ्स के ऊपर होती थी, जब्ते सदर के ऊपर होती थी, जब्ते किताबत के अंदर नहीं होती थी। पहली बात है किताब पेज मिलता ही नहीं था, लिखने वाले आपको पता है लिखारी कम होते थे,
लिखारी तो बहुत कम होते थे, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी लिखारी नहीं थे ना, आप तो खुद लिखवाते थे लोगों से, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद लिखारी नहीं थे, तो लिखारी जो होते थे ऑफिशियल्स वो बहुत कम होते थे लोग, तो ज्यादातर लोग फिर सहाबा क्या करते थे, उन हदीसों को रिलेट करते थे, नरेट करते थे, वो ये नहीं करते थे कि उनको लिखते थे, लिखने का एहतमाम बहुत बाद में, लिखने के जो हदीसों को लिखने का एहतमाम स्पेशली ऑफिशियल लेवल पे वो सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज के रजी अल्लाह रहिमहुल्लाह अन्हु के दौर में हुआ, जहां पे बकायदा ऑफिशियली इस चीज को बकायदा एज अ गवर्नमेंट की तरफ से एक एक्टिविटी की गई और उन लोगों ने मिलकर क्या किया कि इस चीज को कंपाइल किया, तो बहरहाल वो सहीफा भी मिल जाता है आपको। जी आगे चलें, ये काफी है, टाइम तो हो गया पूरा। चलिए जी यहाँ पे हम बस करते हैं, बाकी आपको सही हदीस की अगली हदीस की किस्म हसन लिजाती मैंने आपको बतानी थी। विद दैट इंशाल्लाह वी कंक्लूड टुडे सेशन। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहमदिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका। किसी का सवाल है कोई जल्दी से कर लें जी।